Hello everyone, and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hello everyone, welcome back to our channel Achievers. Today, I am going to discuss subject-verb agreement, and this is also known as syntax. आज हम लोग subject-verb agreement के कुछ rules discuss करने वाले हैं, जो कि काफी easy chapter है, but exam के point of view से important भी है. ओके तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है. जैसा कि आप लोग इसका नेम देख रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में कुछ एग्रीमेंट किया जाता है. ओके कैसा एग्रीमेंट? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है. आई मीन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है. ओके इन लिटरल मीनिंग वी कैन से दैट द वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मतलब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट से उसके नंबर एंड पर्सन के आधार पर जुड़ना, यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल है इट के लिए. इट के साथ वर्ब का कैसे क्या यूज़ होता है ये देखते हैं. यहाँ दिया गया है स्ट्रक्चर इट प्लस इज वॉज प्लस प्रोनाउन आई वी यू ही सी दे. ओके तो इट का रूल है कि इट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होता है. ओके अगर इट प्लस बी वर्ब का कंस्ट्रक्शन हो, बी वर्ब यानी इज एम आर वॉज वेर, ये सब सारा बी वर्ब बोलते हैं. तो अगर इट के साथ बी वर्ब का कंस्ट्रक्शन हो तो हमेशा इसके बाद क्या आता है, इज या वॉज, हमेशा सिंगुलर यूज होता है. राइट जैसा कि यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्शन में देख रहे हो. ओके एग्जाम्पल देखते हैं. इट वेयर दे हु प्रोमिस टू हेल्प मी. यहाँ देखिए इट के बाद क्या आया है, प्लूरल वर्ब है ना वेयर, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग दिया गया है. इट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वॉज. ओके ये सबसे ईजी वाला रूल था. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर टू. इफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर जॉइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज हु विच दैट द वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसेडेंट टू रिलेटिव प्रोनाउन. अगर कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब क्या होगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग. एंटीसेडेंट किसको बोलते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता हो, जो भी सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता हो उसे क्या बोलेंगे, एंटीसेडेंट. एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है. एंड इसके पहले क्या आ रहा है, कौन सा जस्ट इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट है, आई. तो आई क्या हो जाएगा, एंटीसेडेंट. ओके एंड आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम यूज हो रहा है. ओके क्लियर. बट आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट रूल में पढ़ा, इट के साथ हमेशा क्या आता है, इज सिंगुलर वर्ब यूज होता है. बट इट का दूसरा रूल भी है कि इट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आए, यानी यहाँ पे आई आ रहा है ना, इट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वर्ब यूज होगा. ओके इसलिए यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग ना वर्ब यूज होकर के आई के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है. ओके दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सी इज वन ऑफ द नोवेलिस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ. यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट. एंड एंटीसेडेंट क्या है, दैट के पहले जस्ट वोमेन, एंड वोमेन प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है ना. सो इसलिए यहाँ पे वोमेन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ रहा है प्लूरल. ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर थ्री. व्हेन एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर नाउंस वर्ब इज यूज्ड टू कीप द फॉलोइंग इन माइंड. जब दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है
तो वर्ब का प्रयोग निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं. ओके तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका. इफ़ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाई एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज. अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल. जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए, रोहित एंड रागिनी आर गेटिंग मैरिड टू नाइट. यहाँ रोहित एंड रागिनी दो सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज होगा? प्लूरल, दैट इज आर. ओके नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर ज्वाइन बाई एंड बट ओनली वन पर्सन. ओके ओनली वन पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. अगर जब दो नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, दो नाउन और एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हों. ओके एक चीज़ के बारे में दर्शा रहे हों, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों, तो इसके साथ क्या यूज होगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब. ओके और हमेशा ये जो सब्जेक्ट है वो पेयर में यूज होता है, जैसे ब्रेड बटर. ओके ब्रेड बटर, राइस करी राइस, जो भी, स्लो एंड स्टडी. यहाँ एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये दोनों पेयर में आया है, दो सब्जेक्ट है बट सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है विंस. राइट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ टू अनकंट्रोलेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड. अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल. जैसे यहाँ पुवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है एंड अनकाउंटेबल नाउन है. ओके बट ये दोनों एक साथ आया है, मतलब सेंटेंस में बोल रहा पुवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर. पुवर्टी एंड माइजरी एक साथ आता है, मतलब इस सेंस से पता चल रहा है कि ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है जो एक साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है कम. राइट नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग इज सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड हिन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. ओके यहाँ कह रहा है कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल यूज हो रहा है, राइट तो दो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो डिफरेंट ना हो करके सेम पर्सन को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल यूज होगा तो दो पर्सन नहीं बल्कि दोनों एक पर्सन होंगे, दोनों सेम पर्सन होंगे. राइट लेट्स सी विथ एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम. यहाँ देखिए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों डिफरेंट, दो नाउन है. ओके बट फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टर, इसके पहले आर्टिकल द यूज हो रहा है, राइट इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दो पर्सन ना होकर के यहाँ सेम पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, राइट सेम पर्सन होंगे, इसलिए यहाँ इसके साथ सिंगुलर वर्ड दैट इज हैज़ यूज हुआ है, राइट बट कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिन पर इस रूल का अप्लाई नहीं किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ. ओके माई फादर एंड मदर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. ओके यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट है, माई फादर सॉरी फादर एंड मदर. हम लोगों ने इस रूल में पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट दिए रहेंगे और उसके पहले आर्टिकल और डिटरमाइनर, सॉरी यहाँ डिटरमाइनर छूट गया है, डिटरमाइनर और आर्टिकल उसके पहले जब फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आएगा तो वर्ब कैसा होगा? वो सिंगुलर होगा, राइट और यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है माई फादर एंड मदर, दो सब्जेक्ट है बट फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले माई यूज़ हो रहा है, तो इसके यहाँ बट इस सेंस के से क्या पता चल रहा है? माई फादर एंड मदर, फादर एंड मदर सेम नहीं हो सकते हैं ना, मतलब किसी एक पर्सन को तो नहीं बोल सकते हैं फादर एंड मदर, अंकल एंड आंटी. ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे वॉन्ट्स तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट यहाँ पे
कैसा वर्ब यूज होगा? दैट इज प्लूरल. तो इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई फादर एंड मदर वॉन्ट टू टॉक टू यू. उसी तरीके से और भी नाउन है, जैसे माई अंकल आंटी. ओके, तो इस तरीके वर्ड में आप लोग को सेंस देखना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इफ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एवरी सब्जेक्ट, इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल थिंग्स, हिंस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड. इसका रिवर्स है ये, अगर कोई आर्टिकल एवरी सब्जेक्ट के पहले रहेगा, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले यूज होगा आर्टिकल, तो ये क्या रेफर करेगा? दो डिफरेंट पीपल को. इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, राइट? जैसे यहाँ देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, दो सब्जेक्ट है, डायरेक्टर के पहले भी द यूज़ हो रहा है एंड प्रोड्यूसर के पहले भी द यूज़ हो रहा है. तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये दोनों दो पर्सन है, राइट? तो इसके साथ क्या यूज़ होगा? दैट इज प्लूरल वर्ब हैव. ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4. इफ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड एक्सेप्ट रादर देन अकॉम्पेनिड बाय लाइक अनलाइक नो लेस देन नथिंग बट. ओके, देन द वर्ड विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. अगर कोई सब्जेक्ट ये सारे जो कंजंक्शन दिए गए हैं इससे जुड़ा हुआ हो तो वर्ड किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ये रूल हम लोगों ने कंजंक्शन में भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ये कंजंक्शन है इसलिए कंजंक्शन के रूल में भी दिया हुआ था. ओके, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ हो रहा है इसलिए इसे सिंटैक्स के रूल में भी ऐड किया गया है. तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग. एज वेल एज से तो सब्जेक्ट कनेक्ट है, राम एंड हिज पेरेंट्स, ये प्लूरल है एंड ये सिंगुलर. ओके, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? एज वेल एज से जब दो नाउन कनेक्ट हो, दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. And that is Ram. Ram ke according hoga is, right? Similarly, next example hai, the captain along with the sailors was drowned. First subject kya hai? Captain. And captain ke according yaha was used ho raha hai. Right? Badhte hai next rule ki taraf. Rule number 5. If two subjects are joined by neither nor, either or, not only but also, nor or none but, the verb will agree with the nearest subject. Ye rule bhi hum logo ne conjunction mein padha hai. अगर कोई दो सब्जेक्ट ये सारे जो दिए गए हैं कंजंक्शन ये सबसे जुड़े हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ होता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके, लेट्स सी विद एग्जांपल. नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम. यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट हैं, नाइदर राम और नॉर श्याम. नॉर के नॉर से नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? नॉर किसको फॉलो कर रहा है? श्याम को. ओके, सेकेंड सब्जेक्ट को. और इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ होगा? हैज़. ओके, नेक्स्ट रूल है, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम. आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम. राम एंड फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट हैं, बट और के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? और किसको फॉलो कर रहा है नेक्स्ट सब्जेक्ट? फ्रेंड्स. एंड दैट इज प्लूरल, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, दैट इज हैव, राइट? ओके, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6. सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब. कुछ नाउन्स जो हैं वो फॉर्म में यानी स्ट्रक्चर में प्लूरल होते हैं बट उसका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है. ओके, लेट्स सी. जैसे दिया गया है यहाँ, नेम ऑफ डिजीजेज, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ये सब जो है देखने में प्लूरल लग रहा है ना, राइट? रिकेट्स, सिंगल्स, बट इसका जो सेंस है वो सिंगुलर होता है. ओके, ऑब्वियस है, सेंस सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? वो सिंगुलर होगा, राइट? नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दैट इज़ फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब प्लूरल फॉर्म में है बट सिंगुलर मीनिंग है इनका. ओके, लेट्स सी एग्जांपल. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट की बात हो रही है
तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट। बट अगर नोट में दिया गया है, इफ स्टैटिक्स मीन्स डेटा, मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशंस, पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल थाट्स, देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अगर मीनिंग चेंज हो, मीनिंग के अकॉर्डिंग, जैसे जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्ड यूज होता है, राइट, सब्जेक्ट के सेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर सेंस चेंज हो जाए, यहाँ हम लोगों ने रूल में पढ़ा, अगर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा। बट यहाँ दिया गया है नोट्स में, अगर स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा हो जाता है, मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन हो जाता है, पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल थाट हो जाता है, तो वर्ड क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल दिया गया, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, डेटा, ओके, डेटा हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट। इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव यूज हो रहा है, ओके। तो सेंटेंस को, सेंस को भी समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ डिटरमाइनर्स द और पॉजिटिव एडजेक्टिव इज प्लेस जस्ट बिफोर द वर्ड विच एंड्स विद ICS, देर इज अ सेंस ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, सो दे आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड इट विल टेक प्लूरल वर्ब। अगर कोई डिटरमाइनर्स मतलब आर्टिकल एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव को डिटरमाइनर्स बोलते हैं, ए एंड द और माई, योर, हिज, ये सबको डिटरमाइनर्स बोलते हैं, राइट। तो रूल में कह रहा है कि अगर कोई डिटरमाइनर्स लाइक द और माई, योर, हिज इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द वर्ड विच इन विद ICS, जिन वर्ड के अंत में ICS जुड़ा हो और उसके पहले द या फिर माई, योर, हिज आ रहा हो, तो उस सेंटेंस का सेंस क्या हो जाएगा, प्लूरल, और इसके लिए उसके साथ प्लूरल वर्ड यूज होगा, ओके। लेट्स सी विद एग्जांपल, माय मैथमेटिक्स आर सो बैड दैट माय टीचर ऑलवेज स्कोल्स मी। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, यहाँ मैथमेटिक्स के लास्ट में क्या आ रहा है, ICS। जैसे कि हम लोगों ने रूल, इसके पहले वाले रूल में पढ़ा है कि मैथमेटिक्स के साथ क्या आता है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट का नाम है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, राइट। बट यहाँ इस रूल में दिया गया है कि अगर कोई वर्ड अगर ICS से एंड कर रहा हो एंड उसके पहले द या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव आए, तो उसके बाद वर्ब कैसे यूज होता है, प्लूरल, राइट। इसलिए यहाँ पे माई मैथमेटिक्स आर यूज हो रहा है, राइट, ओके। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जब कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट मतलब सेम यूनिट के तौर पर लिया जाता है, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब, राइट। जैसा कि हम एग्जांपल देख रहे हैं, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ गायों का झुंड के बारे में कहा जा रहा है, ना कि उस झुंड से किसी एक गाय या फिर किसी दो गाय के बारे में कहा जा रहा है, ये पूरे एक यूनिट के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, दैट इज, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यहाँ देखिए सिंगुलर यूज हो रहा है, यानी ये सिंगल यूनिट के बारे में बात हो रही है, द कमिटी पूरे सिंगल यूनिट के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ड, दैट इज हैज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन और वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, देन प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज्ड। अगर उन्हीं मेंबर्स में हम, जब कलेक्टिव नाउन के द्वारा इनमें मौजूद इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात होती है, तो हमेशा क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी मतलब क्या होता है, निर्णायक, ओके, निर्णायक मंडल को उनकी राय में विभाजित किया गया है, तो यहाँ हर एक के डिसीजन को इंडिविजुअली देखा जा रहा है, राइट।
इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब दैट इज आर. ओके, मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8. प्लूरल नंबर्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब. प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है यदि फ्रैगमेंटेड अमाउंट या टाइम की बात हो, राइट. बट इफ प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव एंड इफ प्लूरल नाउन डोनेट सर्टन अमाउंट, वेट, हाइट और पीरियड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्लूरल नंबर यूज एज अ सिंगुलर यूनिट विल टेक सिंगुलर वर्ब. फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि प्लूरल नंबर जो है वो यदि फ्रैगमेंटेड अमाउंट या टाइम की बात होती है तो प्लूरल वर्ब यूज होता है. बट अगर प्लूरल नंबर एक सर्टन अमाउंट, एक सर्टन वेट, एक सर्टन हाइट, पीरियड या डिस्टेंस को दर्शाते हैं तो क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है. ओके, लेट्स सी विथ एग्जांपल. 100 boys are in my class. 100 boys are in my class. यहाँ टोटल 100 boys की बात हो रही है, यानी यहाँ पूरे क्लास की बात की जा रही है. ओके, तो यहाँ क्या यूज होगा, प्लूरल, राइट, दैट इज आर. एंड इसका एग्जांपल देखते हैं, 100 rupees इज इन माय पॉकेट. यहाँ देखिए 100 rupees, ये एक सिंगल यूनिट के बारे में बात हो रही है, राइट. ये एक सिंगल यूनिट के बारे में बात हो रही है. 100 rupees इज इन माय पॉकेट एक अमाउंट के बारे में बात हो रही है कि हमारे पॉकेट में 100 rupees है. ओके, इसलिए यहाँ पे इज यूज हुआ, दैट इज सिंगुलर. 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूट. 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूट. यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, राइट. मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9. ईच, एवरी, एवरी वन, सम वन, समबडी, नो बडी, नो वन, एनी, मेनी, अ, मोर दैन वन आर सिंगुलर. ये जो दिए गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है. दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन. ओके, लेट्स सी विद एग्जांपल. इच स्टूडेंट हैज कम. यहाँ देखिए स्टूडेंट के पहले क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट इज इच, इसलिए इच सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर, दैट इज हैज, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल है, इच बॉय एंड इच गर्ल हैज कम. दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन दिया गया है, इच बॉय एंड इच गर्ल. हम लोगों ने पहले रूल में पढ़ा है कि जब दो नाउन हो तो क्या होता है, वर्ब प्लूरल होता है. बट इस रूल के अकॉर्डिंग एवरी सब्जेक्ट के पहले इच आ रहा है, राइट. जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में इच या फिर एवरी का यूज़ हुआ हो तो सेंटेंस में दो नाउन होने के बावजूद क्या, कैसा वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर. ओके, इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज हो रहा है, दैट इज़ सिंगुलर वर्ब. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, मेनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क. मेनी अ के साथ क्या यूज़ होता है, हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, राइट. मेनी अ का कुछ रूल्स है, यूजेस है, उसको देखते हैं हम लोग एग्जांपल से. जब मेनी के बाद कोई आर्टिकल ए या एन यूज हो तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है और सिंगुलर नाउन यूज होता है, राइट. जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ दिया गया है मेनी अ मैन हैज़ कम. मेनी अ के बाद क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन दैट इज़ मैन एंड सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी, सिंगुलर वर्ब दैट इज हैज़. मेनी अ मैन हैज़ कम, राइट. बट अगर मेनी अ मैन के प्लेस पे मेनी अ मेन रहता, नाउन प्लूरल होता, तो ये एरर हो जाता, राइट. क्योंकि मेनी अ के बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं यूज होता है. इस सेंटेंस को राइट करने के लिए मेन को हम मैन कर सकते हैं या फिर ए को रिमूव कर सकते हैं, तो क्या हो जाता, मेनी मैन. जैसा कि एग्जांपल 2 में देखिए, मेनी मेन हैव कम. यहाँ ए रिमूव हो गया है मेनी के बाद एंड नाउन जो है वो प्लूरल हो गया है. ओके, मेनी मेन हैव कम, राइट. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, अ ग्रेट
और अ गुड मेनी मैन हैव कम, अ ग्रेट और अ गुड मेनी मैन हैव कम. यहाँ क्या हो जाएगा, अ गुड मेनी के साथ क्या यूज़ होगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, राइट. सिर्फ ये माइंड में रखना है कि मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल आए तो इसके साथ सिर्फ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन. ओके, मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10. इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर इच एवरी वन ईटीसी, द नाउन और प्रोनाउंस दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी प्लूरल इन फॉर्म. However, the verb, pronoun, adjective, etc. that comes in latter part of the sentence will be in singular form. यहाँ कह रहा है कि अगर each के बाद, each everyone के बाद अगर of use हो रहा हो तो इसके बाद आने वाले noun, pronoun कैसे होंगे, plural form में होंगे, plural noun और pronoun use होगा. But latter part में जो verb use होगा वो कैसा form में होगा, वो singular form में होगा, right? लेट सी विद एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. वन ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क. यहाँ देखिए वन के बाद क्या आ रहा है, ऑफ, एंड ऑफ के बाद कैसा नाउन आ रहा है, दैट इज प्लूरल, राइट. तो प्लूरल नाउन आ रहा है बट यहाँ पे वर्क कैसा यूज हो रहा है, वो सिंगुलर यूज हो रहा है, क्योंकि इसका सेंटेंस, इसका सेंटेंस का सेंस ये सिंगुलर एक्सप्रेस कर रहा है, राइट. वन ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, मतलब टोटल वॉइस में किसी एक वॉइस को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए एक वॉइस को, एक वॉइस के लिए यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, दैट इज हैज, राइट. नेक्स्ट रूल और आज का लास्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 11. इफ इच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. अगर इच प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद यूज हो रहा हो तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल वर्ब. ओके, लेट्स सी विद एग्जांपल. वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन. यहाँ मिसप्रिंट हो गया, अ ड्यूटी दो बार टाइप हो गया, सॉरी. वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन. यहाँ देखिए हम लोगों ने पहले रूल में पढ़ा है कि ईच के साथ क्या यूज होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब. ओके, बट इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ईच, इच के पहले अगर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आए तो उसके बाद आने वाले वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, राइट. इसलिए यहाँ पे हैव यूज हो रहा है. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा 11 रूल्स, और भी कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ओके गाइस, ये था हमारा आज का सेशन, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंटेक्स. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द स्टेइंग ऑन टिल द एंड ऑफ द वीडियो. हैव अ गुड डे.